गुड मॉर्निंग बच्चों, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए पार्ट एक से आठ तक पढ़ना है। पार्ट एक से पाँच तक का वीडियो और स्टडी मटेरियल दिया जा चुका है, जिसे आप लोग पढ़ भी चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग एक नया पार्ट पढ़ेंगे। ऑनलाइन क्लास में भी आज इसी पार्ट को समझाया गया है। जो लोग ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाए हो, वो इस वीडियो के द्वारा भी समझ सकते हो। तो आइए बच्चों, चलते हैं पाठ की ओर। तेंजिंग नोर्गे एक नेपाली पर्वतारोही थे, जिन्हें एवरेस्ट और केदारनाथ के प्रथम मानव चढ़ाई के लिए माना जाता है। वैसे ही न्यूजीलैंड के एडमन हिलेरी ने एवरेस्ट की चोटी पर अपना पहला कदम रखा था। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। इसका सर्वे जॉर्ज एवरेस्ट ने किया था, उन्हीं के नाम पर इसका नाम एवरेस्ट रखा गया। माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। बचपन से ही पर्वतों पर चढ़ने का सपना देखने वाली बचेंद्री पाल ने अपने साहस आत्मविश्वास से अपना सपना पूरा किया। वे विश्व के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। इस पाठ में हम लोग जानेंगे कि उनकी यह यात्रा कैसी रही। इस पाठ में उनकी यात्रा के बारे में ही बताया गया है। कर्नल खुल्लर ने साउथ पोल तक की चढ़ाई के लिए तीन शिखर दलों के दो समूह बनाए थे। बचेंद्री पाल एक दल में शामिल थी। वह सुबह नाश्ता कर 5:30 बजे अपने तंबू से बाहर निकली। वह अंग दोरजी के साथ साउथ कोल से बाहर आई और उस समय ठंड अधिक थी और अंगदोरजी के साथ उन्होंने बिना रस्सी के चढ़ाई की और 2 घंटे से कम समय में ही शिखर कैंप तक पहुंच गई। दक्षिणी शिखर पर अपने सामने ऊंची ढलान को देखकर बचेंद्री को लगा कि सफलता एकदम नज़दीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर वह एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। बचेंद्री पाल एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले अपना माथा टेक कर सागर माथा के ताज का चुंबन लिया। अपने थैले से हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र निकाला और उसे लाल कपड़े में लपेट कर वहाँ एक छोटी सी पूजा की और उसके बाद उसे बर्फ में दबा दिया। फिर वह अपने दल के नेता अंग दोरजी के प्रति आदर भाव से झुकी। साउथ कोल से शिखर तक की यात्रा में बचेंद्री को 10:40 का समय लगा। इस कार्य के लिए सब ने उन्हें बधाई दी। फिर वह अपने दल के नेता अंग दोरजी के प्रति आदर भाव से झुकी। साउथ कोल से शिखर तक की यात्रा में बचेंद्री को 10:40 का समय लगा। इस कार्य के लिए सबने उन्हें बधाई दी। पर्वतारोहण में श्रेष्ठता के लिए बचेंद्री को भारतीय पर्वतारोहण संघ का स्वर्ण पदक तथा अनेक सम्मान पुरस्कार मिले। बच्चों, इस पाठ से
हमें यही सीख मिलती है कि हम अपने साहस और दृढ़ निश्चय से कोई भी काम आसानी से या फिर सरलता से कर सकते हैं। आप सब भी बचेंद्री पाल की तरह दृढ़ निश्चय, कर्मठ और साहसी बने। धन्यवाद।